आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और सनातन धर्म के जो रहस्य हैं, जो रहस्य वैज्ञानिकों को भी पागल करके रखे हैं, मैं वो रहस्य बताने जा रहा हूँ। और ये उन रहस्यों की कड़ी में भाग दो है। भाग एक आप देख सकते हैं, ये भाग दो है। तो हम इस भाग की शुरुआत करते हैं सोमरस से। सोमरस का नाम आप सबने सुना है कि सोमरस आखिर क्या था। सोमरस के बारे में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता है, आपने भी सुना ही होगा। क्या यह शराब जैसा कोई पदार्थ था या फिर कोई जड़ी बूटी थी जो युवा बनाने के लिए थी। ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है कि हत्सु पितासो युद्यन्ते दुर्बदासो न सुरायाम, अर्थात सुरापान करने या नशीली पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मारपीट या उत्पात मचाया करते हैं। हालांकि वेदों में शराब की बुराइयों का जड़ कहा गया है, तो ऐसे में वे देवताओं को कैसे शराब चढ़ा सकते हैं? तो सुरापान और सोमरस में डेफिनेटली फर्क था। तो आज भी वैज्ञानिक उस सोमरस की तलाश कर रहे हैं कि भाई ये सोमरस क्या था या क्या है। तलाश अभी जारी है। फिर अमृत कलश। समुद्र मंथन के दौरान क्या कोई ऐसा रस निकला था जिसे पीकर देवताओं को अमरता प्राप्त हो गई? तो यदि समुद्र से कोई ऐसा रस निकल सकता है तो क्या आज नहीं निकल सकता? जरूरी है कि समुद्र से ही निकले। अमृत कलश के लिए देव और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। तो सचमुच अमृत का निकलना एक रहस्य है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसी दवा बनाने में लगे हुए हैं जिसे पीकर व्यक्ति अधिक समय तक जवान बना रहे। उसके बाद है 33 कोटि देवता। हिंदू धर्म के अनुसार 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, यहां पर प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। और ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। तो ये भी वैज्ञानिक लोग सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं कि क्या है। अब है पारिस मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। तो जिसके पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली। मान्यता है कि मणियाँ कई प्रकार की होती है। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि, बहुत सारी मणियाँ होती है। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से सोना बन जाती है। कहते हैं कि कौओं को इसकी पहचान होती है और ये हिमालय के पास ही पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत कि एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 4 चक्रों में एक मणिपुर चक्र भी होता है। तो मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में मणि के किस्से भरे हुए हैं। तो आज भी वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये मणि होता है या नहीं होता है। फिर है अमर होने का रहस्य। अमर तो हर कोई होना चाहता है, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं है। समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है जिससे कि अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेकों अनेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट है, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा?
सौ वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा, वहां क्या करेगा? बोर हो जाएगा तो फिर संसार में आकर रहेगा, बस यही सिलसिला चलता रहेगा। अगला जो रहस्य है वह संजीवनी बूटी का रहस्य, जो अभी भी बरकरार है और उसकी खोज जारी है। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेज दिया। उसने विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य उनके दैत्यों को इसका जब पता चला तो उन्हें उसका वध कर दिया। रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग से समूची रामसेना मरणासन हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुसेन को बुलाया और फिर सुसेन ने कहा कि अब द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर चार वनस्पतियां लाएं, मृत संजीवनी जो मरे हुए को जिंदा करती है, विशाल्यकरणी तीर निकालने वाली, संधानकरणी त्वचा को स्वस्थ करने वाली, तथा सवर्णकरणी त्वचा का रंग बहाल करने वाली। हनुमान बेशुमार वनस्थितियों से इसे नहीं पहचान पाए थे तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। आपने रामायण देखा ही है, रामायण पढ़ा भी है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। और वैज्ञानिक अभी भी संजीवनी बूटी की तलाश कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि संजीवनी बूटी की तलाश अभी भी जारी है। अब अगला खोज, वो थी गाय के सूर्य केतु नाड़ी। गाय के पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, यह पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर यह स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध मूत्र और गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में। कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है, तो इस पे भी गायों पे जो रिसर्च है वो वैज्ञानिक आज भी करते चले जा रहे हैं। उसके बाद है भारत के आठ चिरंजीवियों का उल्लेख। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति, अमर का अर्थ जो कभी नहीं मर सकते। और ये सात चिरंजीवी हैं राजा बलि, सॉरी आठ चिरंजीवी हैं, अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य और मार्कंडेय ऋषि, उन्हें भी चिरंजीवी कहा जाता है। तो माना जाता है कि ये सातों पिछले कई हजार वर्षों से इसी धरती पर रह रहे हैं। तो भाई वे वैज्ञानिकों का खोज है, वैज्ञानिक तलाश कर रहे हैं कि अमर कैसे हुआ जा सकता है, और उनकी तलाश अभी भी जारी है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है। विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे, तो रिसर्च जारी है। इसके बाद सावित्री सत्यवान का एपिसोड आता है। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद यह पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी, हम अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। आपने अमर बेल का नाम सुना होगा कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, काया पलट करता रहे और जिंदा बना रहे, तो वैज्ञानिक इसकी खोज अभी भी कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयों और सर्जरी का विकास किया जा रहा है, ये सब उसी का नतीजा है। उसके बाद अगला जो रहस्य है
वो है पंचगव्य। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सके, और वैज्ञानिक आज भी इसका खोज कर रहे हैं। अब अगला खोज, अगला रहस्य। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है, और वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में मदद करता है, और हमें रेडियो एक्टिविटी से बचाता है। और यह खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाले जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है वो हमें मिल गई है। रूडी लोहा नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। तो अब तक रूडीओला के उपयोग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं, तो वैज्ञानिक वहां भी जबरदस्त रिसर्च में लगे हुए हैं। इसके बाद जो चीज है, जो आज रिसर्च का मुद्दा बना हुआ है, वो है महान योद्धा बर्बरिक और घटोत्कच। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिल्वती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंटकरा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। तो बर्बरिक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि दोनों ही विशालकाय मानव थे। घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था, तो आखिरकार कर्ण ने उस अस्त्र का उपयोग किया जिसे वो अर्जुन पर चलाना चाहते थे, तो घटोत्कच मारा गया। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की थी और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर तीन वान और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि के ऊपर अग्रसर हुआ था। तो बर्बरिक के लिए तीन वान ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींच कर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। तो उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि उसका जो सर था बर्बरिक का, वो इतने दिनों तक जिंदा रहा और वो पूरे महाभारत को देखा? वो कौन सी दृष्टि थी जहां से वो बैठकर पूरा महाभारत का युद्ध देखा? उसके बाद का जो रहस्य वो है द्वारिका नगर का। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से ही स्थापित खंडर हो चुके नगर क्षेत्र में अपने एक नए नगर की स्थापना की। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। प्राचीन इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकारों के अनुसार द्वारिका विश्व का सबसे रहस्यमय शहर है, और इस शहर पर अभी भी शोध जारी है। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका नाम पड़ा था। अब ये दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है और इसकी जो खोज है वो जारी है। और यहाँ पे वैज्ञानिक जो हैं वो पागलों की तरह सोच रहे हैं कि अभी तक सही सलामत कैसे है। एक समय था जब लोग द्वारिका नगरी को काल्पनिक नगर कहते थे, पर आज नहीं कह सकते। उसके बाद देवस्था के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे।
यहीं पर ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्थान था, यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था, यही देवस्थान है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।